है और सबसे बड़ी मूर्ति तो मुझे अभी तक की यही लगी। भाई साहब देखो, मैं तो इसके पैर तक भी मैं नहीं आ रहा। ओ भाई साहब, एक से एक मूर्तियाँ हैं सारी। आई थिंक ये तीसरे माले तक जाएगी, इतनी बड़ी इसकी हाइट है। भाई 30 फुट की मूर्ति है। तो जैसा कि आप दूर से देख पा रहे हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ लाइन में अभी बन रही है और ये साउथ गुजरात का, यार गुजरात का ही बोल सकते हैं, सबसे बड़ा गणेश मेकिंग वर्कशॉप है। अंदर चलते हैं थोड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज ये पार्ट टू है गणेशा मेकिंग ब्लॉग का। एंड आज जो मैं आपको वर्कशॉप दिखाने वाला हूँ वो सूरत के सबसे बड़े बड़े POP गणेश मूर्ति वर्कशॉप है, जहाँ पर सूरत की सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती है। जैसे फेमस गणपति ग्रुप हो गए, सरकार ग्रुप, बेगमपुरा ग्रुप, संतोषी, तो ये सब की जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं 20 फुट, 25 फुट, 30 फुट, वो जहाँ बनती है वो सारे प्लेसेस दिखाने वाला हूँ। और लास्ट वाला तो ऐसा प्लेसेस है जो आप देख के चौंक जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुंबई भी इसके सामने कुछ नहीं है। सो स्टे ट्यून गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जो आप करते ही है। एंड पहले वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो दूसरे वीडियो पे भी थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा रिस्पॉन्स करें और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ लाल दरवाजा के गणेश वर्कशॉप पे और ये चकाबाई का वर्कशॉप है, ये इनके नाम से फेमस है जो इनके ओनर है। और यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। एंट्री करते ही सबसे बड़ी मूर्ति जो है ये है, आई थिंक ये 25 या 27 फुट की हाइट है। इवन मेरे ये कैमरे में भी नहीं आ रही, इतनी बड़ी है। सो थोड़ा दूर जाके शॉट लेता हूँ। यहाँ पर आपको लाइन से सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिख जाएगी, जो जैसा कि मैंने बताया था कि सरकार ग्रुप सूरत का बहुत फेमस ग्रुप है, उनकी मूर्तियाँ भी यहाँ पे बनती है, ये रही। सो काम अभी चालू है। यहाँ पे आई थिंक लिमिटेड मूर्तियाँ हैं, लेकिन जो भी मूर्तियाँ हैं वो सारे फेमस ग्रुप की है। और सबसे बड़ी मूर्ति तो मुझे अभी तक की यही लगी। भाई साहब अगर देखो, मैं तो इसके पैर तक भी मैं नहीं आ रहा। इनका जो पैर है वहाँ तक तो सिर्फ मेरा सर आ रहा है। तो सोचिए अगर ये जब जाएगी गाले पे, जब जाएगी तो कितनी बड़ी हाइट हो जाएगी। आई डोंट नो इसको कैसे लेके जाएंगे, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको कंप्लीट होने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी मूर्ति है। अंदर चलते और ओ भाई साहब, एक से एक मूर्तियाँ है सारी, और सारी मूर्तियाँ POP की है। भाई साहब ये ऊपर काम चल रहा है। ये देखो भाई, आई थिंक ये तीसरे माले तक जाएगी, इतनी बड़ी इसकी हाइट है। सो ऑलमोस्ट सारी मूर्तियों का काम चालू हो चुका है, ये महीने के एंड तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो आपको एक नेक्स्ट व्लॉग देखने को मिल सकता है। सो गाइस, ये था पहला लोकेशन लाल दरवाज़ा, जैसे कि मैंने बताया चकाबाई की मूर्ति। भाई यहाँ पर लिमिटेड मूर्ति है, 50-60 है, लेकिन जो भी है सारी 20-25 फुट से ऊपर है, कोई भी 10 फुट की मूर्ति नहीं मिलेगी आपको। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस साल गणपति में। एंड अभी चलते हैं नेक्स्ट अपने लोकेशन पे। तो गाइस अभी जो सेकंड जगह पे मैं आया वो है चिंतामणि मूर्ति केंद्र, जो पाल में है, और यहाँ पे भी POP की मूर्तियाँ बन रही है। तो चलिए उसका भी एक बार टूर दिखाता हूँ आपको। बहुत ही पीसफुल जगह है, किसी को पता भी नहीं कि सूरत के अंदर ऐसी भी एक जगह है जहाँ पर मूर्तियाँ बनती है। तो ये है चिंतामणि मूर्ति कला केंद्र, और यहाँ पे भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बन रही है। कम से कम यहाँ पे भी है 10-15 फीट से लेके 25 फुट हाइट की। दो गोडाउन है, एक ये है एंड दिस वन सेकेंड वन। कुछ मूर्तियों का कलर काम यहाँ पे चालू हो चुका है, तो बहुत अच्छा है कि फास्ट काम चल रहा है यहाँ पर। सो ये एक मूर्ति तो बन के ऑलमोस्ट कंप्लीट भी है, आपको इसका थोड़ा फिनिशिंग दिखाता हूँ कलर के बाद। तो बहुत ही इसको अच्छी तरीके से पेंट किया गया, आई थिंक श्री कृष्ण भगवान के रूप में है क्योंकि जैसा कलर है। और ये है दूसरी वाली। मंगलनाथ
यहाँ पे सबसे बड़ा मूर्ति कौन सा है? ये वाला कितनी हाइट है इसकी? 30 फुट की। मतलब क्या, किस चीज पे है मूर्ति? ऐसे बैठी हुई है सिंहासन पे? ओ बाप रे भाई, 30 फुट की हाइट की मूर्ति है। कब तक बन जाएगी ये? आपका 20 तारीख तक हो जाएगा। तो 20 तारीख से पहले आना पड़ेगा देखने के लिए। सही है भाई, ये इसका ही काम चल रहा है भाई, 30 फुट की मूर्ति है। तो गाइस ये था चिंतामणि ये मूर्ति केंद्र का पूरा टूर पाल में जो है। अभी जो थर्ड प्लेस है वो, जैसे कि मैंने बोला था कि गुजरात का सबसे बड़ा मूर्ति केंद्र है, सारी मूर्तियाँ वहीं से जाती है, तो हम चलने वाले हैं वहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे तीसरे वर्कशॉप पे। कहा जाता है कि सूरत का, या तो बोल सकते हैं आप साउथ गुजरात का सबसे बड़ा गणपति वर्कशॉप है। और इसकी बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि इसका वीडियो बनाए। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूँ धर्मेश के आर्ट वर्कशॉप पे। और जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे, यहाँ से लाइन से मूर्तियाँ दूर से दिख रही है। कम से कम मेरे को 100-150 मूर्तियाँ दिख रही है दूर से ही, और जो कि बड़ी बड़ी है, 15-20 फुट हाइटेड है। सो चलिए आपको इसका पूरा टूर करवाता हूँ। आपको इससे ज़्यादा मूर्तियाँ कहीं भी कोई भी जगह देखने को नहीं मिलेगी बनती हुई। ओ भाई साहब, इतना अंदर तो मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे बाम्बू लगे हैं, लेकिन जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे कवर करने की। बहुत सारी मूर्तियाँ अभी भी कवर्ड है, किस ग्रुप की है क्या है, कुछ अवतार भी अभी रिवील नहीं किया है, लेकिन बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी हैं जो आपको देख के पता चल जाएगा। इसमें से कई सारी मूर्तियाँ सूरत के बाहर भी जाती है और कुछ सूरत के लिए भी रहती है। मोस्ट ऑफली जो साउथ गुजरात की मूर्तियाँ रहती है, जैसे चिखली हो गई, नवसारी गई, वो सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहीं पर बनती है। बता दो फोटो क्या मूर्ति बने जा पहली चाहते। ये था आज का वीडियो। जैसा कि मैंने बताया, धर्मेश आर्ट सूरत का बोलो या तो आप गुजरात का बोलो सबसे बड़ा वर्कशॉप है, क्योंकि बड़ौदा, भरूच, यहाँ तक कि वलसाड़ वापी सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे बनती है और यहाँ से लोग लेके जाते हैं। सूरत की जो भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बेगमपुरा हो गया, आटिकपुरिया हो गया, सबकी मूर्तियाँ यहीं पर बन रही है। सो नेक्स्ट पार्ट दूसरा लाऊंगा जब थोड़ी मूर्तियाँ रेडी होंगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।